अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत है और हैट्रिक मारेगी। पिक्चर अभी बाकी है। एड्स के ऊपर कि एड्स को लेकर दुनिया भर में क्या गलत धारणाएं हैं उसको तोड़ने के लिए, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे उनको प्लान भी था कि टी शर्ट पे छपा ले दर्ज हुआ फैमिली करके, चारों लोग कहीं जाएंगे, अब कोई सोशल वर्क पे नाम कर रहा है, कोई फाइनेंस पे नाम कर रहा है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल रहा है, बहुत सारी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको शुरू से, अगर आपको पता है कि मुझे स्टेज को फेस करना पड़ेगा, मुझे स्वागत है हमारे हम तक न्यूज में। मैं अभी मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर हूँ और आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं अजूबा फैमिली मौजूद है, एक अजूबा ही बता सकते हैं कि यहाँ पे टैलेंट से भरे हुए सब परिवार है, और इन लोग से एक टैलेंट जानने की कोशिश करेंगे जितना भी युवा है अभी के तहत में, और इनका एज देख सकते हैं, और सुयांश बाबू का भी एज देख सकते हैं कि छोटा एज है, और इन लोग के पास इतना टैलेंट है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा बात करेंगे आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा। ये मिस किड इंडिया 2022 के विजेता है, 56 कंपनी का जो सूर्यांश है ये मालिक है, सीईओ है, और आइए इनसे बात करना चाहते हैं। पहले तो इनका मम्मी है यहाँ से, मम्मी से बात करना करते हैं और इनसे पूछते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे हम सभी। नमस्ते। और कैसा महसूस हो रहा है पहले बेटी टीम इंडिया का विजेता बनी है? तो बहुत खुशी का बात है ये, और हमारे लिए नहीं पूरे बिहार के लिए, भारत के लिए खुशी का बात है कि ये 2022 की विजेता है मिस किड इंडिया। और जो आपका लड़का जो 56 कंपनी का मालिक बना है, तो सीईओ बना है, ये भी बहुत खुशी की बात है। जो 13 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं और ये 56 कंपनी खोल के बैठा है, और सही में ये खोला है और बहुत मेहनत करता है। अच्छा, ये पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में भी अच्छा था, पढ़ाई में भी था, लेकिन इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, ये बताइए इनका बचपना कैसा है? आपको तो ज्यादा पिताजी से ज्यादा आपको पता होगा। वो अभी भी बचपना है, अभी भी वो काम करता है, टूट कर टॉफी खा लेता है, जाके खाना मांग के खाता है, कुर्सी पे सो जाता है, खेलता रहता है, किसी का बाल खींच देता है, कभी कोई चीज गिरा देता है, कूदता फंदता रहता है। तो 13 साल है तो तजुर्बा तो अभी उतना आएगा नहीं इसको। बड़े सोचने की बात है कि 13 साल की उम्र में 56 कंपनी का मालिक होना, यंग सीईओ होना, ये गर्व की बात है अपने में। आइए इनके पिताजी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते, धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है जो बेटी है जो टीम इंडिया के मिस का विजेता बनी है, 56 कंपनी का लड़का आपका? काफी खुशी हो रही है और अपने पूरे बिहार और भारत के लिए गर्व का बात है, क्योंकि एक कहा जाता है ना कि बिहार के बच्चे भारत के स्टेज पर डंका बजाए, नहीं, भारत के बच्चे विदेश के स्टेज पर डंका बजाए, वो भी अमेरिका जैसे स्टेज पर। तो संयुक्त राष्ट्र जो सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, उस स्तर पर यह भी 13 साल में पहुंची थी, और ये जो 13 साल में है सूर्यांश, यह अपने बिजनेस और इंटेलिजेंसी के सोच के कारण दुनिया का यंगेस्ट सीईओ है, और जो इनके आइडियल्स रहे हैं एलन मस्क सर, टाटा सर, रतन टाटा सर, बिल गेट्स सर, उन सभी लोगों को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है, यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। परसों की एक कहानी बता रहा हूं मैं, यह 13.5 साल का है अभी, और भारत में क्रिप्टो करेंसी जैसे जटिल चीज का पहला कॉन्फ्रेंस बंगलोर में आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? क्वाइन डीसीएक्स, जो इंडिया का सबसे लीडिंग एक्सचेंज है क्रिप्टो खरीद बिक्री के लिए। तो उस क्वाइन डीसीएक्स ने इसको निमंत्रण भेजा था, तो हम साथ गए थे, बच्चा था, अकेले कैसे जाता, तो ऐसी अनुभूति हुई, सभी वहां अरबपति नहीं, सभी खरबपति लोग थे। अच्छा। और उस बीच में जो एक कम उम्र का लगा, हमको लगा 26-27 साल का ये लड़का था, लेकिन यह 13 साल का जो यूनिक था, जब अनफोल्ड, इस सम्मेलन का नाम था अनफोल्ड 2022, उसमें जो अनफोल्ड के जो रिपोर्टर थे, तो इसको देखते ही हमको पूछते हैं, ही इज सूर्यांश? यस ऑफ कोर्स, ही इज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ इंडिया। मैंने कहा कि नो, ऑफ ग्लोब, पूरे विश्व का यंगेस्ट सीईओ है। ओहो, तब तो मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए, 12 मिनट तक इसका इंटरव्यू वैसे मंच पर लेना, जहाँ जो सबसे जटिल चीज है, अभी हर बातों को भी जनता लोग जान रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है जिसको भारत के 18% लोग ही अभी उसमें इन्वेस्ट कर पाए हैं, और उस फील्ड में ही अपना नया आइडिया लेके आया। तो खुशी हमारी क्या, आप सभी की खुशी होनी चाहिए, और लोगों को इससे, आप जो अभी वीडियो बना रहे हैं, यह लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप अपने बच्चा को, हम इसको छूट दिए तब ना, 13 वर्ष में अगर पढ़ाई के अलावा यह चाहे या कोई दूसरा काम करता, तो अन्य गार्जियन क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, मतलब दबा के रखते हैं कि पढ़ाई करो। पहले की सोच है, उनका भी कहना कोई गलत नहीं है, पहले जो सोच था, तो अरे पहले भाई टेक्नोलॉजी इतनी
उपलब्ध नहीं थी, न मोबाइल, एक टीवी रहता था तो पूरा गांव का लोग जाता था देखने की, रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे। आज घर घर में मोबाइल है, तो जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो उस टेक्नोलॉजी का लाभ हम क्यों नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों में स्किल देखिए, प्रत्येक गार्जियन उसमें जो स्किल है, पेंटिंग की स्किल है, सिलाई का स्किल है, जिस बात का स्किल है उसको पहचान लीजिए और उसको उसमें छोड़ दीजिए कि बउआ तुम पढ़ो भी और साथ साथ उस बात में भी पढ़ाओ। और आप नहीं मदद कीजिएगा तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने में मान लिया 5,000 रुपया लगेगा, लाखे रुपया लगेगा, वो कहां से लाएगा? तो वो भी आप दीजिए, आप देंगे तब तो उसका आइडिया आगे बढ़ पाएगा। आज हम नहीं देते तो न इसका वेबसाइट तैयार होता, न इसका नाम होता, न अनफोल्ड में जाता, न दुनिया का यंगेस्ट सीईओ रहता। एक नॉर्मल स्टूडेंट 10th क्लास का हो सकता है 95% ले आता मार्क्स, लेकिन मार्क्स क्यों? आगे भविष्य को सोच के लोग कोई काम करता है जो तो पढ़ लिख लेंगे तो ऐसा नौकरी मिलेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ जो उस नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। बहुत आप कैपेबल लोग नहीं है, एक छोटा सा व्यापार कोई 5-10 हजार से स्टॉल की शुरू कीजिए। शर्माइए नहीं कि हम यहाँ रहते हैं तो हमारा ईगो क्लैश कर जाएगा कि हम किसी चीज का स्टॉल लगा रहे हैं। जो कई लोग जो दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, यहाँ जब आते हैं तो देखिएगा लोग समझते हैं कि वहाँ कोई दूसरा काम कर रहे हैं, और जब वहां आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि VIP पॉश इलाका में एक स्टॉल लगाए हुए, लेकिन उनकी कमाई प्रतिदिन की 10-15 हजार रुपया होती है, चाहे वो चाय का स्टॉल ही क्यों नहीं। तो वो अच्छा कि पढ़ लिख के फिर 20,000 का नौकरी ले लीजिए, सो अच्छा। इसीलिए हम लोगों ने इसको इतना छूट दिया, और छूट दिया तो उस पर ये सब खड़ा उतरा है। आज मिस इन इंडिया बनी है, कनाडा से इसकी फिल्म रिलीज हुई है, और वह भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म HIV एड्स पर आधारित था, जो अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन किसी न किसी देश में हर साल आयोजित होता है, इस बार कनाडा होस्ट किया था। और जब भी इस प्रकार का सम्मेलन होता है तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसमें शिरकत करते हैं, या उनके प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन से जुड़े लोग उसके सामने रिलीज हुआ है, और भारत के लिए गर्व की बात है। उसमें काम करने वाली भारत से एकमात्र एक्ट्रेस जानवी थी, कितना गर्व का बात है। तो ऐसे गर्व की बात है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हूँ अपने NGO चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और हमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में जाके हम अपनी भागीदारी किए हैं, मैंने भारत से अगर उस सदन में जा सकता है कोई तो एक हम भी। और आइए इनके चाचा जी भी, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर KK सिंह, मेरा नाम हुआ। चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं 2002 से 2000 से मैं इस में स्थायी रूप से मैं सदस्य हूँ। आज मैं इसका ट्रेजर और लगभग इस बच्चों को बचपन से मैं अपनी गोद में खिलाया। आज मेरी इच्छा है इस घर में जो आप देख रहे हैं, इस अलमारी में, वार्डरोब में आप जो देख रहे हैं कि रिकार्डो की घड़ी और ये ट्रॉफी, मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में मैं जब आऊँ तो इस रूम में इतनी रिकार्ड और इतनी ट्रॉफियाँ हों कि मेरे पास जो लोग आवे तो बैठने की जगह नहीं हो, उनकी भी अलग से व्यवस्था करनी पड़े। ये मेरी काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, इनकी नानी है यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, अनीता नाम है मेरा। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है जब आप? बहुत खुशी लग रहा है, हम तो साथ ही हैं, वहाँ भी गए थे और बहुत अच्छा लगा, और आप आगे भी करेगी, इसका संस्कार ही ऐसा है, ऐसा इन्वायरमेंट मिला है यहाँ गार्जियन का, आगे बढ़े। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए इन्वायरमेंट की जरूरी होती है। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो आप उस इन्वायरमेंट में जाइए, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो और इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? दोनों बच्चे बहुत प्रभावशाली है और दोनों बच्चे अपना लक्ष्य में बहुत आगे जाएगा। अभी अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत है, और हैट्रिक मारेगी। चले चले, ताली 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 जी। अभी ट्रेलर सुनी हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा जी, जानवी आप बताइए कि आपका एक, मैंने सुना कि फिल्म भी आया हुआ था, कौन सा फिल्म था? इसी साल 1 अगस्त को विश्व एड्स सम्मेलन के दिन मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था ग्रासरूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस। ये फिल्म बनाई गई थी HIV एड्स के ऊपर, कि एड्स को लेकर दुनिया भर में क्या गलत धारणाएं हैं उसको तोड़ने के लिए, और जो भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे उनको ये फिल्म दिखाई गई, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके इस बात पे भी कि वो अपने लेवल से एड्स के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस मूवी के देखने के लिए, फिल्म को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी, कुछ दिनों में आ जाएगी, तो पता चल जाएगा आप लोगों को।
तो आइए हम श्रियांश बाबू से मिलते हैं थोड़ा सा आगे। यही है श्रियांश बाबू जो कंपनी 56 कंपनियों का सीईओ है, और आइए इनसे बात करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी 56 के तरह मत बताइए, जो फोन हो रही है अंतर से बता रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी बहन अलग फील्ड में नाम कर रही है, उनका तो प्लान भी था कि टी शर्ट पे छपा ले दर्ज हुआ फैमिली करके, चारों लोग कहीं जाएंगे तो वही टी शर्ट पहनेंगे जाया जाएगा। सारे लोग अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये इस परिवार की सबसे यूनिक बात है, कहीं पे कोई आपको सोशल वर्क पे नाम कर रहा है, कोई फाइनेंस पे नाम कर रहा है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल रहा है, बहुत सारी आपको कामयाबी है पूरे परिवार। अच्छा, उसको कंपनी साइड में आपको और क्या क्या इच्छा मौका तय करने के लिए? जी मेरा मन बस करता है कि फाइनेंस के साथ की हमेशा जुड़ा रहूं। आप 24 घंटे मुझे कहते रहेंगे फाइनेंस के बारे में ही बोलते रहो, मेरा अंदर का टैलेंट है कि मैं हमेशा बोलते रहूंगा उसके बारे में, और फाइनेंस को ही मैं सब कुछ मानता हूँ। दोस्तों का ही नहीं, एक भी दोस्त नहीं है, ना गेम खेलता हूँ ना एक भी दोस्त है, ना आउटडोर गेम खेलता हूँ, बस फाइनेंस और बिजनेस चाहिए सारे तरफ। अच्छा, और आइए यहाँ पे सर भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? नमस्ते, मेरा नाम अनुप अनुराग है। और श्रेयस के क्या लगते हैं? अंकल लगते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। गाइड करते हैं कि नहीं? हम भी गाइड करते हैं, और बहुत ज्यादा खुशी का बात यह है कि ये हमें भी गाइड करते हैं। जो चीज जी जो चीज पे हमें भी फंसने लगते हैं तो वो खुद हमको भी गाइड करते हैं, अंकल देखिए ये चीज आप गलत कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। और मिस्टीन का जो अवार्ड मिल रहा था, मैं भी वहाँ पे था उस टाइम, तो सही कहा जाता है कि रियलिटी शो जो देखने का चीज है, आप वहाँ पे जाकर देखिए कैसा लगता है। किसी अपने जो परिवार बैठे रहते हैं उनका धड़कन रुक जाता है। जब अनाउंस होने की बात हो रही थी तो हम थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो रहा था, तो लग रहा था कि हम लोग एकदम सुन हो गए। अभी भी वो फीलिंग मुझे आ रही है बोलने के बाद कि मैं वैसे ही कप रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चा नाम करता है तो बता नहीं सकते हैं कि क्या फीलिंग आती है। अच्छा, जानवी से और सुनियान से लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप लोग स्टेज पे गई तो आप लोगों को डर नहीं लगा बोलने में? इस स्टेज पे तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत शुरू से स्टेज को फेस करती आई हूँ, तो स्टेज फियर तो मेरे अंदर नहीं था। बट एक हल्की सी जो नर्वसनेस होती है वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नर्वसनेस जो मिक्स फीलिंग थी वो थी, बट ऐसा कि ऑडियंस का डर या फिर जजेस है उनके सामने ये डर मुझे नहीं था। यही क्वेश्चन आपसे। अच्छा, तो मतलब मेरे अंदर तो स्टेज का फियर बहुत पहले था, मतलब स्कूल में अभी तक बस 3-4 साल में जो भी हम पढ़े थे स्कूल में, बस 1-2 बार थॉट बोले थे स्टेज पे जाके, और मतलब इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस थे। अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इंटरव्यूज देते रहते, और बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ, तो उनसे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और माहौल भी बिल्ड हो गया पूरी तरीके से, एनवायरमेंट किया, बोलना तो पड़ेगा ही अच्छे से, तो वो भी सिखा दिया। आप लोग एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि जो अभी के लोग मतलब स्टेज पर डिग्री बड़े बड़े डिग्री लेके अगर 10 लोगों के पीछे उनको बोला जाता है बात करने के लिए, चाहे कैमरे के सामने बोलने के लिए, उन लोगों का हलचल होती है और डर लगती है, उसके बारे में आप क्या लोग बताइए? मैं यही कहना चाहूंगी उस बारे में कि डिग्री आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको शुरू से, अगर आपको पता है कि मुझे स्टेज को फेस करना पड़ेगा मैं जिस भी प्रोफेशन में हूँ, तो प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने बोलिए, फोन का कैमरा ऑन करके बोलिए, घर वालों के सामने बोलिए, ताकि वो जो आपका डर है, वो जो स्टेज फियर है वो खत्म हो। तो जिनको भी स्टेज से डर लगता है उनको यही कहूंगी कि शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, कैमरे के सामने प्रैक्टिस करो, वो डर खत्म हो जाएगा। चलिए, ये छोटा सा फैमिली है, एक अजूबा है, अजूबा घर भी है, एक लंबा सा घर दिखा देंगे इस वीडियो में, देख लीजिएगा, यही बनवाए है घर अजूबा घर को, और ये लोग फैमिली भी अजूबा है। मेरे ख्याल से इन लोग एक टी शर्ट बनवा देने चाहिए, एक उसमें लिख देने चाहिए अजूबा फैमिली। और मेरा प्रयास कमेंट कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी के साथ अर्जुन चौरसिया, जय हिंद जय भारत।